यूहन्ना रचित सुसमाचार लिखने का अभिप्राय था कि हम जाने कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है। अब इन घटनाओं के लिखे जाने द्वारा यूहन्ना हमें यीशु में विश्वास करने के लिए प्रेरित कर रहा है, जिसने क्रूस पर अपनी जान देने के द्वारा हमारे पापों की कीमत चुकाई। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। और अनंत जीवन ये है कि वे तुझे एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है, और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। अब इसके दो अर्थ हैं। हमें ये स्वीकार करना है कि हमने पवित्र परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है और हमारे जीवन में बुराइयां हैं, चाहे वे कितनी छोटी ही क्यों ना दिखें। हमें इस बात पर पूरा भरोसा रखना है कि क्रूस पर अपनी मृत्यु के द्वारा यीशु ने हमारे पापों का सारा दंड चुका दिया है, अर्थात जो मृत्यु हमारे लिए नियुक्त थी। और जब हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर तुरंत मुफ्त में हमें अनंत जीवन दे देता है। अब जब प्रेरित थोमा का सामना इस सत्य से हुआ, वो इतना ही कह पाया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, अभी के अभी यदि आपकी इच्छा है तो आप ये अंगीकार करके परमेश्वर के संग शांति बना सकते हो। मैं अंगीकार करता हूं कि मैंने परिपूर्ण परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है। मैं अंगीकार करता हूं क्रूस पर यीशु की मृत्यु ने मेरे सारे पापों का दंड चुका दिया है, एवं मेरे पापों की कीमत यीशु द्वारा चुकाने से मैं अनंत जीवन पाने तथा परमेश्वर के आगे धर्मी ठहरने का अधिकारी ठहरता हूं। हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर।